Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and the chapter is India's foreign trade. Okay, so this is our lecture number 2. So in our previous lecture we have already discussed about the what is international trade ya foreign trade. Okay, kya hota hai international trade ya foreign trade, kya hota hai, kya hota hai? Export and imports of goods and services across different countries, ठीक है, is called the international trade. Okay, then we studied about the India's foreign trade at the time of independence. Okay, उससे पहले हमने कुछ क्या की थी, इसकी कुछ features या आप composition जो है वो भी हमने study की थी, और उसके बाद हमने क्या study किया था, India's foreign trade एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, इंडिया फॉरेन ट्रेड था, वो कैसा था, और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिश ने हमारी जो फॉरेन ट्रेड थे उसको डिस्ट्रॉय किया कर दिया था, खत्म कर दिया था हमारे सारी इंडस्ट्रीज को, कैसे उनकी डिक्लाइनिंग हुई थी, वो हमने स्टडी फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल से स्टडी किया था, और हमने कल भी इस ये जो था ये जो टॉपिक है इसको स्टडी किया था. So now, today we will discuss the India's foreign trade after independence. Okay? So पीछे हमने जो था, कल हमने क्या किया था, on the eve of independence, यानी कि जब ब्रिटिशों का राज था उस टाइम पर हमारा जो फॉरन ट्रेड था वो कैसा था, किस कैसे जो है हम लोग जो रॉ मटेरियल होता था, मतलब कि कैसे जो ब्रिटिश है उन्होंने हमारे यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर की जो क्रॉपिंग थी उसको एज अ रॉ मटेरियल उन्होंने यूज किया, और अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर ब्रिटेन में ले जाकर उसको रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड बनाकर हमारी कंट्री में सेल किया था. ठीक है, और उन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई थी. सो नाउ वी विल डिस्कस द इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. So under planned programs of development, India's foreign trade recorded a noticeable changes. So students, you can say ki after independence, economic planning helps a lot for growth of international trade. अब एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने जब ये स्टडी कर लिया था कि on the eve of independence कैसी जो ट्रेड था, कैसा ट्रेड, मतलब कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड जो था किस तरीके से चल रहा था, कैसे डिक्लाइनिंग हो रही थी, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम लोग क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो उस टाइम पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा जो फॉरेन ट्रेड था या इंटरनेशनल ट्रेड था वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुआ, उसने ग्रो करना शुरू किया. हम लोगों ने फोकस किया कि कैसे हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, और वो उसको बढ़ाने का, उसको इंक्रीज करने में जो सबसे बड़ी जो जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग. क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है, जब इकोनॉमिक प्लानिंग सबको पता है 5 ईयर प्लान, जो कि कब से स्टार्ट किए गए थे, 1951 से स्टार्ट किए गए थे इकोनॉमिक प्लानिंग. ओके, तो हम इकोनॉमिक प्लानिंग में उसमें क्या था, हर 5 ईयर प्लान्स क्या होते थे, हर 5-5 साल के लिए एडवांस में प्लानिंग कर ली जाती थी कि कहाँ पर किस एरिया में कितनी जो है ग्रोथ करनी है, किस में कितना इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे उसका उसका जो अंदर जो है उसका एक फिक्स कर दिया जाता था कि हमें इस एरिया में कितना हम अचीव करेंगे. ठीक है, तो कंपेरिजन किया जाता था. सो यहाँ पर जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स रहा हमारे लिए, हमारे यहाँ पर क्या करने के लिए, हमारे जो फॉरेन ट्रेड है या इंटरनेशनल ट्रेड है उसको ग्रो करने के लिए. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक प्लानिंग हेल्प्स अ लॉट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इसने हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की ग्रोथ में बहुत बड़ी हेल्प की है इकोनॉमिक प्लानिंग में. ठीक है, और ये क्या है, ये जो फॉलोइंग आर द मेन हाइलाइट्स दैट प्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. हम कुछ एक क्या देखेंगे, कुछ एक प्रेजेंट के अंदर जो इंडियाज फॉरेन ट्रेड की पोजीशन जो है उसको हाईलाइट करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कैसे ग्रो किया. तो यस, सो यहाँ पर 3 जो है हमारे एक तरीके से क्या है, ये कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं कि ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हमारा जो इंडियाज फॉरेन ट्रेड है वो ग्रो, उसकी ग्रोथ हुई, वो इंक्रीज हुआ. सो फर्स्ट जो है यहाँ पर, फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड.
सेकेंड इज कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड थर्ड वन इज डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब इन तीनों की जो है हम लोग जो है डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। वैसे आज हम देखते हैं, आज हम शायद दो ही स्टडी कर पाए, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के। फिर नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड को स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड? वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री। क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री मतलब कि मेन इसमें क्या आता है, मेन इसमें जो वॉल्यूम क्या होती है, क्वांटिटी किसकी, कि इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि हम वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड में ये देखेंगे कि जो हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो हम चीजें बाहर सेल कर रहे हैं और जो हम चीजें वहां से परचेज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हम लोग, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट करेंगे और कितनी क्वांटिटी में हम उनको इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये हम वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन क्या होता है, क्वांटिटी को मेजर करना, क्वांटिटी निकालना कि कितना हम यहाँ, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ना टेबल शो की गई है आपकी बुक में, ठीक है, आपकी टेबल है ना शो की गई है, देखिए आप इस टेबल के अंदर। सो ये टेबल में क्या है, वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरन ट्रेड ड्यूरिंग डिफरेंट प्लान पीरियड, ठीक है। हमारे पास यहाँ क्योंकि 12 5-year प्लान बनाए गए थे, उसके बाद इनको बंद कर खत्म कर दिया गया। 12 5-year प्लान भी हमारा कंप्लीट नहीं किया गया था, ये हम पीछे स्टडी कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा क्या आया था, कौन सा स्टार्ट किया इसकी जगह पे, यस 5-year प्लान की जगह क्या स्टार्ट किया, नीति आयोग स्टडी किया है ना हम लोगों ने। तो इसे ऐसा है स्टूडेंट, सिर्फ टीचर ने ही पढ़ाया आपको, ठीक है, ये नहीं है कि टीचर को आप, टीचर ने क्या है पेपर एग्जाम नहीं देने हैं, किसने देने हैं, स्टूडेंट्स ने एग्जाम देने हैं, ठीक है। अब हमारे लर्न करने से कुछ नहीं होगा, हमें याद रखने से कुछ नहीं होगा कि हमें याद, टीचर को याद है, आप लोगों को बताया गया, आप लर्न कर, आप उसको माइंड में रखें सारे कंसेप्ट को, क्योंकि आपको एग्जाम में देना है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 12 5-year प्लान्स के अंदर ये टेबल में दिखाया गया है कि हमने कितना इम्पोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट हुआ और टोटल कितना हुआ। अब अगर हम फर्स्ट 5-year प्लान यहाँ पर देखें, 1951 to 56, इसके अंदर क्या है हमारे पास, इम्पोर्ट कितना है 3651, ये किसमें है, इन करोड़, ठीक है, ये बच्चे आपके पास जो है ना इन करोड़ में गिवन है, रुपीज में है, ये किसी यूनिट में नहीं है, इन करोड़ में गिवन है ये। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट 5-year प्लान है 1951 to 56, उसमें इम्पोर्ट हमारे 3651 थे और एक्सपोर्ट हमारे क्या थे, 3109। अब यहाँ पर इस डेटा से हमें क्या दिख रहा है कि हमारे इम्पोर्ट ज्यादा थे, एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। और उसके बाद कि हम जितने भी सारे 5-year प्लान दे रहे हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ट्वेल्थ तक देखें, तो ये जो है ना, ये जो पैटर्न, ये इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट है यहाँ पर, तो ये जो है ना, ये लगातार चलता आ रहा है। आप देखो कहीं पर भी ऐसा नहीं है किसी भी 5-year प्लान के अंदर कि आपके पास इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से कम हो, इम्पोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, जो कि ये शो कर रहे हैं कि हम लोग जो है बाहर से, इंडिया जो है ना बाहर से गुड्स को ज्यादा इम्पोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है। जबकि आपको याद होगा, हमने ये बताया था आपको कल कल के लेक्चर में ही बताया था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशों का राज था, तब हमारे क्या थे, एक्सपोर्ट ग्रेटर देन थे हमारे इम्पोर्ट से, याद है ना, जिसके अंदर हमने कहा था कि हमारा सरप्लस का फॉरेन ट्रेड होता था। लेकिन उस सरप्लस के फॉरेन ट्रेड का क्यों फायदा नहीं हुआ, क्यों बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो जितना भी सरप्लस होते थे वो अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने में उसको खर्च करते थे, उस सरप्लस को यूज करते थे, इंडिया की डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने कभी भी इन सरप्लस को यूज नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्ट ग्रेटर देन है एक्सपोर्ट से, हालांकि दोनों ही बढ़ रहे हैं, ये नहीं है इम्पोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है और एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इम्पोर्ट हमेशा ही ज्यादा है इसके अंदर एक्सपोर्ट से, ठीक है। सो ये जो टेबल है, ये क्या शो कर रही है,
इस अगर इनके टोटल सारे डाटा को हम देखें और उसको उसकी ऑब्जर्वेशन उसको ऑब्जर्व करें, सो दैट दिस टेबल शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज इंक्रीज, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है हर बार, इंपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कंसिडरेबली अंडर फाइव ईयर प्लान, सो इट हैज राइजन फ्रॉम इट यस ये देखिए आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ इस लाइन में, इसमें ये क्या दिखा रहा है कि इट प्रूव्स दैट